Good evening to one and all and in this class I'll be talking about most important questions of choosing our universe. So we have already covered the chapter choosing our universe and if you haven't watched the summary of choosing our universe so you can just click on that video and you can just go through the summary of choosing our universe and then you can go through the questions of choosing our universe.

कितना लिखना है प्लस कित, हर चैप्टर में से आपको कितने क्वेश्चंस लर्न करने हैं और उनकी क्या लेंथ होगी वो हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको कोई डाउट हो या आपको पी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो सो चूजिंग ंग यूनिवर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है वॉट डज द चैप्टर डिस्कस तो सी अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आए व्हाट डज द चैप्टर डिस्कस मतलब ये जो चैप्टर है चूजिंग और यूनिवर्स ये क्या बताता है ये क्या डिस्कस कर रहा है अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है मैंने हर क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में लिखा है कि अगर वो शॉर्ट में आएगा तो आप कितना आंसर करोगे लॉन्ग में आएगा तो आप कितना आंसर करोगे तो ये क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का है अगर ये आपको क्वेश्चन मिलता है व्हाट डज द चैप्टर डिस्कस या अगर आपको क्वेश्चन मिलता है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ टाइटल चूजिंग आर यूनिवर्स मतलब जो टाइटल है चैप्टर का चूजिंग आर यूनिवर्स उसकी रेलेवेंस उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करो तो दोनों क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल सेम है दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आपका यही होगा अब जब मैं आपके साथ आंसर्स की बात करूंगी तो मैं इस चैनल पर आपको ये बताऊंगी कि आपको आ, किस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है और आपको उसमें लिखना क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मिलता है तो ये इन दो फॉर्म्स में मिलेगा वॉट डज द चैप्टर डिस्कस या फिर रेलिवेंस डिस्कस करो टाइटल की तो देखो द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अप्रोप्रिएट अगर कोई भी क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड आता है तो पहले आप ये लिखोगे कि जो टाइटल है चैप्टर का वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट या बिल्कुल सही है दिस चैप्टर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स इन ईजी एंड क्लियर मैनर मतलब ये जो चैप्टर है ये यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है बहुत ही ईजी मैनर में देन लॉज ऑफ फिजिक्स हैव हेल्प्ड अस टू गेट आंसर्स फॉर लॉट ऑफ पजल्स रिलेटेड टू कॉस्मोज अब ये कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ फ़िज़िक्स है उसने हेल्प करी है बहुत सारे पजल्स को आंसर्स करने में जो यूनिवर्स से रिलेटेड हैं द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फ़िज़िक्स टुगेदर हैव हेल्प्ड अस सॉल्व मेनी मिस्ट्रीज़ रिलेटेड टू यूनिवर्स तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो क्वांटम फ़िज़िक्स हैं उन दोनों ने हेल्प करी है सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो यूनिवर्स से रिलेटेड हैं बट अ सिंगल यूनिफाइड थ्योरी इज़ बीन लुक्ड एट बट एक सिंगल यूनिफाइड थ्योरी जो है उसको देखा जा रहा है ताकि हम एक ही थ्योरी के बेसिस पर आंसर कर सकें कि ये यूनिवर्स कैसे बना था हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड एंड हाउ लाइफ स्टार्टेड इज़ नॉट नोन तो सिंगल थ्योरी की तरफ तलाश क्यों है क्योंकि ये पता चल सके यूनिवर्स बना कैसे था और कैसे यहाँ पर लाइफ जो दुनिया थी वो शुरू हुई थी क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप लिखोगे टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अप्रोप्रिएट चैप्टर डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट यूनिवर्स का ईजी मैनर में फिर थर्ड लाइन लिखो लॉ ऑफ फिजिक्स ने हेल्प किया आंसर करने के लिए बहुत सारे पजल बस यहाँ तक लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन में उसके बाद लिखोगे ये लाइन छोड़ दोगे फिर लिखोगे बट अ सिंगल यूनिफाइड थ्योरी सिंगल यूनिफाइड थ्योरी की तलाश है ताकि ये आंसर हो सके ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ था और कैसे यहाँ लाइफ शुरू हुई थी तो इतना आंसर होगा शॉर्ट क्वेश्चन में और अगर लॉन्ग आ जाता है तो ये लाइन भी इंक्लूड कर दोगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स ने हेल्प करी है बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो यूनिवर्स से रिलेटेड है उसको सॉल्व करने में तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप फ्रेम करोगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर टू हु वॉज बुम्बा अब क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं बुम्बा कौन था तो ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और इसका आंसर देखो बुम्बा वॉज द गॉड ऑफ सेंट्रल अफ्रीका बुम्बा जो थे वो गॉड थे सेंट्रल अफ्रीका के लोगों के और ये लोग ये मानते थे कि बुम्बा इज़ द गॉड ऑफ यूनिवर्स और बुम्बा ने ही ये पूरा यूनिवर्स ये पूरी जो सृष्टि है ये बनाई है इन द स्टार्टिंग अब कह रहे हैं शुरू में देर वॉज ओनली डार्कनेस वाटर एंड द ग्रेट गॉड बम्बा तो शुरू में सिर्फ डार्कनेस थी वाटर था और ये जो भगवान है बुम्बा ये थे और फिर बम्बा ने यूनिवर्स बनाया तो इस क्वेश्चन को लर्न करोगे पहले लिखोगे बुम्बा वॉज द गॉड ऑफ सेंट्रल अफ्रीका उसके बाद उसके बाद अगर ये लाइन भी नहीं लिखनी तो ये भी छोड़ दो उसके बाद लिखो इन दी स्टार्टिंग बस स्टार्टिंग में डार्कनेस थी वाटर था और ग्रेट गॉड बम्बा थे और फिर बुम्बा ने यूनिवर्स बनाया दैट्स इट इतना सा आंसर आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर बस जितना मैंने मार्क किया है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिग बैंग थ्योरी अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है तो बिग बैंग थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा और इसमें क्या लिखोगे इसमें एक लाइन लिखो पहले कि वी डोंट नो कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था वी डोंट नो हाउ द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड द बिग बैंग Theory इज an एफर्ट टू एक्सप्लेन what happened एट द स्टार्टिंग ऑफ यूनिवर्स तो बिग बैंग Theory जो है एक एफर्ट है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिवर्स की जो स्टार्टिंग थी कैसे हुई थी और कैसे सब कुछ शुरू हुआ था तो इसको बोलते हैं बिग बैंग Theory। सबसे पहली लाइन वी डोंट नो हाउ द यूनिवर्स was क्रिएटेड एंड बिग बैंग Theory एक एफर्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ था तो बहुत सिंपल सा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो कि है व्हाट इज़ द फियास्को फियास्को मींस जो ट्रबल डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ uh, गलत हो गई है इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस की गई है वो क्या है तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा और इसका आंसर क्या होगा पहले आप लिखो कि ये जो लेसन है ये जो चैप्टर है ये डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड देन अकॉर्डिंग टू मयान ट्राइब ऑफ मेक्सिको द मेकर फर्स्ट मेड ह्यूमन बींग्स तो मयान ट्राइब के अकॉर्डिंग जो मेकर थे जो भगवान थे उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बींग्स बनाए मड और अर्थ के मिट्टी और अर्थ के बट वो सिर्फ नॉनसेंस बोलते थे तो so, उन्होंने उसको डिजोल्व कर दिया उसके ऊपर पानी डाला और ख़त्म कर दिया और फिर से ट्राई किया दिस टाइम द मेकर मेड पीपल फ्राम वुड इस टाइम जो मेकर था उन्होंने क्या किया उन्होंने लोग बनाए वुड से तो वुड यानि कि जो लकड़ी से लोग बनाए गए वो बड़े डल और बोरिंग थे वो ब्यूटिफुल नहीं थे तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड बट दे बट ये जो वुड के लोग बनाए गए थे ये स्केप कर गए फॉरेस्ट में भाग गए मेकिंग डैमेज एंड दे चेंजड इन टू मंकीज़ तो ये जो वुड से लोग बनाए गए थे इन्होंने डैमेज किया और ये मंकीज़ में चेंज हो गए तो गॉड फेल टू क्रिएट ह्यूमन बींग्स इन द स्टार्टिंग दिस वॉज द फियास्को तो किस फियास्को की बात करिए इस चैप्टर में कि जो भगवान है वो भी ह्यूमन बींग्स को जो है क्रिएट नहीं कर पाए थे नहीं बना पाए थे बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने भी गलतियाँ की थी ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करने में तो इस फियास्को की बात चैप्टर में की गई है ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डू स्क्रिप्चर्स से अबाउट दी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स तो स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं यूनिवर्स के ओरिजिन uh, के रिगार्डिंग तो इट हैज़ बीन क्लियर फ्रॉम दी अर्ली टाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कि स्क्रिप्चर्स जो है क्या कहते हैं कि ये बहुत पहले से क्लियर हो गया था अर्ली टाइम से कि ईधर यूनिवर्स कि या तो यूनिवर्स एक रिसेंट क्रिएशन है या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं दे हैव एग्जिस्टेड ओनली फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक स्मॉल फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करते हैं मतलब उनका नंबर ज़्यादा नहीं है एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओल्ड जो बाइबल है जो बुक लिखी गई थी उसमें यह कहा गया कि जो गॉड है उन्होंने क्रिएट किए थे एडम और ईव और वो भी सिक्स डेज के लिए छः दिनों के लिए सिर्फ क्रिएट किए थे दो क्रिएटर्स एडम और ईव तो जो बिशप थे जो प्रीस्ट थे क्रिश्चियन मिशनरीज के उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड था वो ओरिजिनेट हुआ था 4004 थाउजेंड फोर बी सी में बट साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स जो था थर्टीन पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स अगो बन चुका था तो जो स्क्रिप्चर्स है तो हमारी जो बुक्स है उसमें क्या लिखा गया यूनिवर्स के रिगार्डिंग कि ये एक बात बहुत क्लियर है कि इधर द यूनिवर्स वॉज अ रिसेंट क्रिएशन और ह्यूमन फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट या बुक्स हैं जो आपकी, है, आपकी बाइबल है उसमें कहा गया गॉड ने पहले एडम और ईव बनाए सिक्स डेज के लिए एंड देन बिशप ने ये कहा कि वर्ल्ड जो था ये दुनिया जो थी वो 4004 थाउजेंड पहले बन चुकी थी बट साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूनिवर्स क्रिएट हुआ था थर्टीन बिलियन ईयर्स अगो okay. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चूजिंग आर यूनिवर्स वी हैव इज वॉट इज द टोन ऑफ द चैप्टर तो देखो टोन क्या है जिस लैंग्वेज uh, में जिस वे में ये चैप्टर लिखा गया है तो so, पहले लिखो चैप्टर चूजिंग आर यूनिवर्स जो है वो किसने लिखा है दैट इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग देन द टोन ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल मतलब बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज में स्टीफन हॉकिंग ने इस चैप्टर को लिखा है दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स इन ईजी एंड क्लियर मैनर अब इस चैप्टर में यूनिवर्स की बात करी है और उसको बहुत ईजी मैनर में समझाया है अब इतना लिखने के बाद इस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चैप्टर हैज़ बिन रोटन बाय स्टीफन हॉकिंग टोन इज सिंपल रेस्ट जो सारा का सारा आंसर है अगर आप ध्यान से देखो तो इट्स सेम एज क्वेश्चन नंबर वन तो जो क्वेश्चन नंबर वन में हमने पढ़ा था एक्जैक्टली वही है देखो चैप्टर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स इज इन ईजी मैनर लॉज ऑफ फिजिक्स हैव हेल्प टू आंसर अ लॉट ऑफ पजल्स रिलेटेड टू कॉस्मोज एंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स हैव हेल्प्ड सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज रिलेटेड टू यूनिवर्स बट अ सिंगल यूनिफाइड थ्योरी इज बीन डुक डैट हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड एंड हाउ लाइफ इज स्टार्टड सो दोनों क्वेश्चन सेम हैं सिर्फ फर्स्ट लाइन लर्न कर लो कि चैप्टर इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग एंड द टोन इज़ वेरी सिंपल उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो ये देखो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जैक्टली exactly वही लिखा है यहाँ सी चैप्टर एक्सपेन्न द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स इन इजी एंड क्लियर मैनर लॉज ऑफ फिजिक्स हैव हेल्प टू आंसर लॉट ऑफ पजल्स एंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स हैव अस सॉल्व मिस्ट्रीज एंड अ सिंगल यूनिफाइड थ्योरी बीन लुक्ड एट बट हाउ यूनिवर्स वॉज फॉर्म एंड क्रिएटेड दैट इज नॉट नोन तो एक्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर वन तो आपको सिर्फ जो है पांच क्वेश्चन लर्न करने हैं इस पूरे चैप्टर में और आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा बट इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट ऑन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल टू सो आई शॉल यू अड्रेस योर डाउट्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन